पांच से सात मार्च तक इस्लामा दो हज़ार इक्कीस की तैयारियां के फरुख के लिए मुनद किए जाने वाले इस फेस्टिवल के मेहमान खसूस वजीम इमरान खान साहब होंगे इवेंट में एयर शो होगा पैराग्लाइडिंग होगी रंग सूट फ्लाइटिंग होगी स्काई डाइविंग फील्ड मार्शल पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप का भी यह किया जाएगा जबकि विंटेज कार और मोटरबाइक शो भी होगा इसके अलावा घोड़ों की परेड होगी बच्चों के लिए एजुकेशन एक्सपो भी होगा ये तमाम चीज़ें जो हैं ये होंगी यहाँ पर और पाकिस्तान हैंग ग्लाइडिंग एंड पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन और कटिंग एज ग्रुप के अश्रक से ये पाकिस्तान में सराहत सयाहत के फ़रूग के लिए मनक़द किया जा रहा है फेस्टिवल इस हवाले से हम बात करेंगे हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं सबसे पहले तार्फ़ करवाता हूँ मैं अपने लेफ्ट साइड से फैमीदा मिर्ज़ा साहिबा मौजूद हैं हमारे साथ जो फेडरल मिनिस्टर हैं बरा बहनों सब्बाई रब्ता उनके साथ मौजूद हैं राबा अमीन साहिबा जो कि डायरेक्टर कम्यूनिकेशन है इस्लाह टूरिज्म फेस्टिवल की और कटिंग एज जो इवेंट ऑर्गेनाइजिंग जो कंपनी है और ये फेस्टिवल ये लोग करवा रहे हैं और राइट साइड पर हम आते हैं हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उमर अयूब साहब जो कि एनर्जी और तवानाई के जो मामला हैं पाकिस्तान के वो देखते हैं तोानाई दे भी रहे हैं और इस फेस्टिवल को भी फिर तोानाई देंगे और इनके साथ सज्जाद शाह साहब मौजूद हैं जो कि हैं पाकिस्तान हैंग ग्लाइडिंग एंड पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन जो है उसके चेयरमैन है अल्लाम जी आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करें जब इतने सारे लोग आ जाते हैं लेकिन हम चूंकि वो जो लेडीज लेडीज है, है। 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 तो उस पर हम अमल कर लेते हैं और उसी से आगाज करते हैं डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया थैंक यू रावया आपने ज्वाइन किया डॉक्टर साहबा ये बताएं कि ये फेस्टिवल वाई इज इट इंपॉर्टेंट इस्लामाबाद में हो रहा है इस्लामाबाद को माजी में बेहतरीन कैपिटल्स खूबसूरत तरीन कैपिटल्स डिक्लेयर किया गया ट्वेंटी ट्वेंटी में पाकिस्तान को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन डिक्लेयर किया गया उसके बाद अब ये इवेंट कितना इंपॉर्टेंट है हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए जी बिसमान रहीम मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में अमन अमान पैदा हुआ और जो भी ये सिविलियन एंड मिलिट्री कॉपरेशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कि एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान एक तरक्की की तरफ गामजन है और ये सब एक्टिविटीज़ तब होती हैं जब मुल्क में वो हालात वो एनवायरनमेंट होता है इस हुकूमत ने जिस तरह का एनवायरनमेंट दिया है और जो यहाँ अब कुछ हो रहा है तो बहुत ही दिल को खुशी होती है कि अब टूरिज़म जो है जिसको हमेशा प्राइम मिनिस्टर अपनी तकरीर में कहते हैं कि एक लो हैंगंग फ्रूट है hmm. उस लिहाज से एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जिसका रिवाइवल हो रहा है और आज अल्लाह का शिक्र है कि हम इस्लामाबाद जैसे खूबसूरत शहर में एक पहाड़ों के बीच में मरगला हिल्स के बीच में वैली जो एक खूबसूरत तरीन कैपिटल है पूरी दुनिया का उसमें आज हम ये फेस्टिवल आ, का आगाज होने जा रहा है फ्राम फिफ्थ टू तो सेवन मार्च और जिसमें कल्चरल स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म के हवाले से जो भी एक्टिविटीज़ देखेंगे इसमें मैं बल्कि सबको कहूँगी कि जो भी इस्लामाबाद के लोग तो यकीनन पार्टिसिपेट करेंगे बट अगर दूसरे शहरों से भी लोग आ सकते हैं है उनको। तो उनको आना चाहिए उनको देखना चाहिए एंड खास तौर पर जो मैं तो बहुत ही एक्साइट हूँ बल्कि यहाँ जो बैठे हैं तोानाई के <laughs> मिनिस्टर और वो के एक इन चीज़ों को देख के हम सब में एक तवानाई जाती है और शायद आप <laughs> वही कि ये पैराग्लाइडिंग और <laughs> पैरासेलिंग इन जैसी एक्टिविटीज भी अगर तो आज एक्टिविटीज टूरिज्म वाली है जो पैराग्लाइडिंग और पैरासेलिंग और ये वो ये ट्राई की है मैंने की तो नहीं तो है नहीं। लेकिन आप एक दिन मुझे देखेंगे कि <laughs> मैंने ज़िपलाइन ज़िपलाइन बिल्कुल है पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन ज़िपलाइन लाइन सूरत तरीन मैं तो कहती हूँ जो अनटैप्ड टैप्ड यहाँ का पोटेंशियल है यहाँ का जो टूरिज्म ऐसे ऐसे एरियाज हैं ऐसे ऐसे स्पॉट्स हैं कि जो अब डिस्कवर किए जा रहे हैं <laughs> और अब वो हो रहा है और जो मैं पढ़ रही थी आई थिंक कि ये बहुत अच्छा जो इनिशिएटिव है कि पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग पैरा सेलिंग एंड आई डोंट नो दिस एक्यूरेसी जो <laughs> भी लैंडिंग ऑल दिस मतलब ये एक सब चीज़ें जो है वो तवानाई से ठीक है तो आप देखे तो एक्साइटेड हैं साहब आप बताएं कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू इन दिस फेस्टिवल आपकी फेवरेट एक्टिविटीज आपको लगता है कौन सी होंगी जिनकी तरफ आपका ज्यादा रुझान होगा और आप खुद ट्राई कौन सी करेंगे बिसमी सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहबा का शिक्र गुजार हूँ इन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है मैं सजाद शाह साहब का भी ये ख़ुद भी एक माहिर पैराग्लाइडर पायलट हैं और अपना मेरा ताल्लुक क्योंकि एज़ अ पायलट एज अ स्काई डाइवर मैं करता रहा हूँ और पैराग्लाइडिंग भी मोटराइज पैराग्लाइडिंग तो जो भी एविएशन के साथ ताल्लुक़ एक्टिविटीज़ हैं सारी ट्राई की हैं और इन पैराग्लाइडिंग हम लोग कर रहे होंगे अपने साथियों के साथ और मेरा ख्याल है ये इस्लामाबाद का बहन सबसे बड़ा मुनफरद जो इलाका है हमारा पहला दारुखिलाफ़ा है दुनिया में वाद जहाँ पर पैराग्लाइडिंग हम लोग कर सकेंगे और इसके साथ साथ ये एक्टिविटी ये इस्लामाबाद को एक ब्रांडिंग एक्टिविटी आप समझें तो यहाँ पे ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया से लोग आ रहे होंगे और स्काई डाइवर्स जो हमारे हैं जिस पे सिविलियन मर्द और ख़वान दोनों वो इस पर पार्टेक कर रहे होंगे मिलिट्री के साथ इन शाला वो आप देखेंगे फिर विंग सूटर्स विंग सूट वो होता है कि आपका एक आप सूट पहनता आप है सूट पहना होता है उस पर विंग्स होते हैं और वो आप बड़ी तेज़ी से ट्रैवल कर रहे होते हैं वो आप आपको देखने को मिलेगा आपको पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी लैंडिंग मोटराइज़ पैराग्लाइडिंग ये सारी चीज़ें थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ होंगी फिर कल्चरल टच होगा फिर पार्लियामेंटेरियंस मीडिया का मैच होगा तो ये सारी चीज़ें किस लिए कि एक तो आपका बाहर आ रही होगी और उसके साथ साथ इस्लामाबाद में बेहतरीन खूबसूरत जगह है लोगों के लिए एक्टिविटीज़ और ये हमने अपने आप क, अपनी टूरिज्म को प्रमोट करना है जब तक हमारे अपनी टूरिस्ट एक्टिविटीज़ नहीं प्रमोट होंगी बिल्कुल बाहर से लोग नहीं आते हैं जब अपनी होंगी सेफ्टी होगी लोग खुद ब खुद ये हम लोग खुद कर रहे हैं हम आपको क्या लगता है क्योंकि जहर आप सारी दुनिया में आप लोग ट्रैवल करते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों ने अभी तक नहीं की थी जो कि टूरिज्म को बढ़ाने में मददगार साबित होती हैं जो बाहर ममालिक में तो होती हैं लेकिन हम उनसे शायद सीखने में हमने देर की देखिए दो तीन चीज़ें हैं एक तो हमारे साथी जोफी बुखारी आज जहाँ पे नहीं है वो श्रीलंका गए हुए हैं वरना वो आपको मजीद ब्रीफ करते बुनियादी तौर पर दो तीन चीज़ें हम लोग जो पुश कर रहे हैं और बैसीत एडवेंचर टूरिज्म पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे जो पहाड़ है हैं शुमाली जात में माउंटेनियरिंग वहाँ पे है पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज़ अभी सजाद शाह साहब और इनकी टीम ने पिछले साल वहाँ पर पिछ, बल्कि पिछले से पिछले साल वहाँ पे पैराग्लाइडिंग इवेंट हु, हुंजा में कराई जो भिल्कुल। भिल्कुल। बड़ा टफ़ एरिया है पैराग्लाइडिंग फ्लाइंग के लिए वहाँ पर हुआ ख़ूबसूरत इलाके जहाँ पर भी आप चले जाएँ चित्राल चले जाएँ कहीं पर भी चले जाएँ मेरा ख्याल हमने दो तीन चीज़ें पाकिस्तान में एक मैं एक चीज़ कहता चलूँ दुनिया जो है वो पाकिस्तान को फजूल में एक नेगेटिव उसके साथ करता है टारगेट करता है मेक्सिको में ड्रग रिलेटेड वायलेंस एक लाख आदमी वहां पे मारा गया ड्रग्स की वजह से अमेरिका में स्कूल शूटिंग अमेरिका में स्कूल शूटिंग कितनी बार आपने देखा है कि मेक्सिको के लिए जो है वो ट्रैवल एडवाइजरी हो रही है या आपने देखा है जनाब के अमेरिका में जो है वो ट्रैवल एडवाइजरी हो रही है कैनक में उनका सेनेटर क्रोज जो है वो वहां से उनकी बिजली बंद तो, वहां पे हुई है आ, पावर रही है मेकसिको। वो वो मेक्सिको जा तो रहे हैं तो कह, तो कहीं पे आपने एक सुना एक कि वहां पे कोई ट्रेवल एडवाइजी है तो, तो ये तो मैं एक मैं सोची समझी मैं समझता हूं कि साजिश है

पाकिस्तान को टारगेट करते हैं और हमने है। खुद इस चीज़ को इनशा तला तोड़ के हम लोग इसको आगे लेके जा रहे हैं शुमाली पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जहां पे मैं खुद ना गया हूं। और शुमाली जात में पाकिस्तान के अपने टूरिस्ट जो हैं जिस जो जो से जाते हैं वो देखने वारे भी वारे भी एक हैं। काम ये करते हैं कि पाकिस्तान में ट्रैवल डेस्टिनेशंस हर महीने आप किसी अलग जगह पर जा सकते हैं एक छोटा सा हमारा एक पैकेज है वो हम देखते हैं और उसके बाद जब हम आएंगे तो जरा डिटेल में बात करेंगे कि एग्जैक्टली एक एक्टिविटीज एक क्या क्या है और कैसे उसमें शमूलियत हो सकती है जी दिखाइएगा कराची के साहिल से लेकर खुजरा पास तक पाकिस्तान का हर इलाका जनत नज़ीर है सरसदा वादिया कदीम तहजीबें सेहरा मैदान साहिल समंदर और पुरकशिश फित्री नज़ारे दुनिया भर से सयाह इन्हें देखने के लिए खिंचे चले आते हैं सियाहती अमूर ऐसी मुतालिके पाकिस्तान को सियाहत के लिए सबसे बेहतरीन मकाम करार देते हैं और साल के बारह महीनों में पाकिस्तान के बेहतरीन सियाहती मकाम की सैर की जा सकती है जनवरी में आप जियारत घूमे तो फरवरी में लाहौर के तारीखी मकाम मार्च कराची के साहिले समंदर पर, तो अप्रैल गिलगित बल्तिस्तान में मई वादिय कागान नारान और झील सैफुल मलूक और जून वादी सवात के हसीन नज़ारों में गुजारे चीन की सरहद खुजराब पर जाने के लिए जुलाई का मौसम सबसे बेहतर है जबकि अगस्त में दुनिया के बुलंद पहाड़ी मैदान देसाई को अपनी मंजिल बना सकते हैं सितंबर में आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम अक्टूबर में जनूबी पंजाब और भावलपुर जबकि नवंबर में बलोचिस्तान के साहली इलाकों की आवारा गर्दी इसी तरह दिसंबर में इस साल का अख्तितम वैलाश के के सालाना मेले जश्न सरमा में शरीक होकर करें ये तो सिर्फ चंद जगह हैं इनके अलावा भी पाकिस्तान में ऐसे ऐसे खूबसूरत और तारीखी मकाम मौजूद हैं जो की हर तरह का सियाहती जोक रखने वाले लोगों के लिए शानदार है पाकिस्तान घूमे और नाकबिल फरामोश तजुबात को जिंदगी का हिस्सा बनाए पाकिस्तान टूरिज्म फेस्टिवल जो इस्लामाबाद में मनद होने जा रहा है उस पर बात हो रही है एक्टिविटीज़ क्या हैं ये हम जानते हैं सजाद हुसैन शाह साहब से आ, सजाद साहब सबसे पहले तो एक कंसर्न लोगों का ये होता है बच्चों के हवाले से कि सेफ्टी होनी चाहिए बाहर मुल्कों में भी झूले झूले गिर जाते हैं आई नो आई पर्सनली सीन वन लेकिन वो खबरें नहीं चलती पाकिस्तान में हल्का सा खराब हो जाता है तो वो एक बड़ी न्यूज़ बन जाती है तो सेफ्टी के हवाले से कोई स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हैं इन एक्टिविटीज़ के लिए खास तो उड़ने वाली जो एक्टिविटीज हाँ, कोई एज होनी चाहिए अप्रोप्रिएट एज होनी चाहिए फिर वेट कितना हो हाइट कितनी हो ये कुछ है हमारे पास बिसमिल्र सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन शहदा का गाज़ियों का जिन्होंने अपने खून पसीने से इस मुल्क की आबियारी की और नाइन अलेवन के बाद पाकिस्तान जिस डिप्रेशन में चला गया था और इन्होंने अपना खून पसीना बहा के हमें ये खुशियाँ मनाने का दिन दिया तो उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके ऊपर मैं दूसरा शुक्रिया अदा करता हूँ मौजूदा गोरमेंट का कि जिनको ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान में टूरिज्म के ख़जाने छुपे हुए इतना हैं और लोगों है, लोगों को इससे फ़ायदा मिलना चाहिए और स्पेशली बोतरमा फ़मीदा मिर्जा साहिब, साहिबा डॉक्टर साहिबा यहाँ मौजूद हैं और स्पोर्ट्स इनके पास है और इन्होंने आके हमें यह शुरू दिया कि जी इस किस्म की ये एक्टिविटीज़ आप पाकिस्तान में करें हम आपके साथ हैं लोगों को पाकिस्तान की ब्यूटी आप दिखाएँ और पाकिस्तान का जो पुरान माहौल है जो अभी सेट हुआ है उसको लोगों को बताएँ तो बात जो सेफ्टी की है तो आप देखेंगे कि जितनी भी एरोनाटिकल स्पोर्ट्स हैं या एरियल स्पोर्ट्स हैं उसमें एक्सीडेंट बहुत कम होता है अच्छा, उसकी वजह यह है कि जी एस को हम लोग वायोलेट नहीं करते नंबर वन नंबर टू अगर आप एक्सीडेंट की रेशियो देखें तो बाइसिकल या मोटरसाइकिल बाइक के एक्सीडेंट देखें तो वो हमारे मुकाबले में उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो पैराग्लाइडिंग के मुतल या जो स्काई डाइविंग है मैं इसके मतलब ये कहूँगा कि आप मुझे देखें मैं 1986 से फ्लाई कर रहा हूँ <laughs> और 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 इंग्लिश और और इन्शाल में कहते ना कि देर आर ओल्ड पायलट एंड बोल्ड पायलट बट हाँ। देर नॉट ओल्ड एंड बोल्ड पायलट क्योंकि जो बोल्ड होता है वो पहले खत्म हो जाता है वो ओल्ड नहीं होता तो हम ड्रपोक किस्म के पायलट हैं कि हम सेफ्टी को मद्देनजर रखते हैं और इसमें एक्सीडेंट का रेशियो बहुत कम सही है।, है सही है बहुत कम होता है अब तो इसका वर्ल्ड कप भी हो मतलब इसमें जो अभी हम थोड़ी देर पहले ब्रेक में बात कर रहे थे आपको जाने दूंगी जबरदस्त डॉक्टर साहब से मेरी जब पहली मुलाकात हुई तो मैं इसीलिए मिला डॉक्टर साहब ने कहा लगता है अल्लाह अल्लामी ने आपको मेरे पास भेजा है क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी पैराग्लाइडिंग करने की जबरदस्त हम कराएंगे

बड़ी अफसोस की बात है कि मैं बीस तीस सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में फीमेल फ्लाइंग टीम बने और उसके लिए ऊपर हम काम कर रहे हैं और इन शाह तलाक्रीब वर्ल्ड कप में भी जाएंगे हम लोग और

हम लोग इवेंट कटिंग एज को रिप्रेजेंट करते हैं और कटिंग एज इस वक्त इवेंट पार्टनर है इस पूरे फेस्टिवल का तो एक्टिविटीज बहुत हैं और एक्टिविटीज में पढ़ पढ़ के बता दें अगर नहीं नहीं पढ़ के मुझे तो रटी याद होंगी अब तो रटी हुई तो है पिछले <laughs> दो महीने सारी एक्टिविटीज प्रेजेंट कर देंगे भाई बिल्कुल जी

पार्क दैट इज ग मेन अरिना फॉर द फेस्टिवल वहाँ पे आपके पैराग्लाइडर्स की जम्पिंग्स हैं वहाँ पे uh, आपके एयर ट्राइक हैं अभी जिस तरह हम लोगों ने फोर्थ फेबर को अभी सरीना में इसका लॉन्च किया था तो हमने अपने बड़े uh, अच्छे uh, सजाद साहब की वजह से ही हमें सपोर्ट बहुत मिली बहुत उनको हमने uh, अपने ग्लाइडर्स रखे mm -hmm. अपने विंग सूटर्स लाए सब लाए तो इट इज गोइंग टू बी डेकोरेटेड इन अ वेरी आउट ऑफ द बॉक्स ठीक है box, तो मेन मेला जो है वो एफ आई मेला में वहाँ सजे, सजेगा वहाँ पे एक्सपो हैं स्टॉल्स हैं प्रोविंशियल सारे सूबे हैं वो लोग अपना आ, कल्चर भी अच्छा, प्रेजेंट करेंगे वहाँ पे एक्टिविटीज भी होंगी पी इज बेदास। तो हम उनको कह रहे हैं कि भाई सिंस इट्स अ टूरिज्म फेस्टिवल एंड वी वॉन्ट टू प्रमोट पाकिस्तान तो वी वांट टू प्रमोट पाकिस्तान इन अ वेरी नाइस वे आल्सो फॉरेनर्स को भी जाहिर हम अट्रैक्ट कर रहे होंगे कि वो भी इस फेस्टिवल में आए सर आप जो बात कर रहे थे अभी कि जो पहली मरतबा आप स्काई डाइविंग के लिए जो गए तो वो क्या हुआ था <laughs> चले किस्सा सुना देता हूँ उन्नीस सौ नब्बे की दिहाई की बात है मैं अमेरिका में पढ़ रहा था तो एविएशन से शौक़ था तो स्काई डाइविंग भी शुरू की तो ट्रेनिंग के बाद जहाज़ में बैठे तो उसमें सीटिंग होती आप जहाज के फ्लोर पर बैठते हैं तो okay. मैं बिल्कुल दरवाजे के साथ था बारह हज़ार फुट की बुलंदी पर आया तो दरवाज़ा खुला जहाज़ का तो सैसना था तो उस पर आप बाहर अपना पैर रखते हैं और फिर बाहर जाते हैं तो मैंने जब नीचे देखा तो मैंने दिल में कहा मैंने कहा ये पैसे दे के मैं ये काम कर रहा हूं थ्रिल इतना होता है चल सो चल फिर, दे। दे। फिर वो, वो, वो कोई और बारह हजार फुट से जब आप स्काई डाइव करते हैं फ्री फॉल करते हैं बहुत मजा होता है बिल्कुल सही तो बस फाइनली हम ये जानना चाहेंगे कि रेवेन्यू का पोटेंशियल कितना है पाकिस्तान में आपके ख्याल में देखिए रेवेन्यू का पोटेंशियल आप अंदाजा लगा लें ये एक्टिविटीज होती हैं जिस वक्त फर्ज माले इस्लामाबाद में हम लोग देखते हैं आपके पास स्काई डाइवर्स आएंगे आपके पास पैराग्लाइडर्स आएंगे या टूरिस्ट एक्टिविटी होती है हर एक शख्स जो है वो दूर से आ, आता है मुल्क या शहर के अंदर के लोग भी आपका पापड़ बेचने वाला आपका आइसक्रीम बेचने वाला आपका समोसे चाट हर दूर्ण एक जगह इंडस्ट्री आपकी पूरी वहां से लेके आपके होटल इंडस्ट्री टैक्सी आ, वैगन मेट्रो हर एक जगह में उसका एक कोई ना कोई है अभी जो शख्स आएगा पिंडी से आएगा वो तो अपनी फैमिली के साथ आएगा हाँ। उसने कम से कम कुछ ना कुछ खर्चा खाना भी है दाल पराठा उनका क्या है ना। फिर वो कहते हैं जी जब हैं उनका पैकेज इस वो शख्स जो तो तो वो, वो होता है वहां पे तकरीबन तीन से चार सौ डॉलर दिन का खर्च बिल्कुल रेवेन्यू जनरेशन कितनी होती है टूरिज्म के हवाले से तो उस हवाले से आपको बताते हैं कि टॉप तीन ममालिक दुनिया के कौन से हैं सबसे पहले नंबर पर कौन सा मुल्क है जी सबसे पहले नंबर पर है जी अमेरिका जो कि दो सौ निन्यानवे बिलियन डॉलर के करीब एक साल में रेवेन्यू जनरेट करता है टूरिज्म से ही इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर जो मुल्क आता है हमारे पास वो है जी स्पेन 96 बिलियन डॉलर्स वहाँ पर जनरेट होते हैं हर साल टूरिज्म की मद में और फिर फ्रांस है जहाँ हर साल छियासी बिलियन डॉलर रेवेन्यू जनरेशन होती है

गवर्नमेंट टूरिज्म के हवाले से बड़ी सीरियस है। बड़ी। डॉक्टर साहब फाइनली आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं पाकिस्तान के रेवेन्यू के जा सकता है अगर टूरिज्म हमारी फ्लरिश कर जाए तो देखिए आपने फिगर्स तो बताए बहुत से मुल्क जितने छोटे छोटे मुल्क देखें जीडीपी का सारा कितना और इसलिए मैं मैं ये समझता हूँ और इस वक्त हमारे पास सूबों के पास क्योंकि ये टूरिज़म डिवॉल्व हुआ हुआ है लेकिन हम क्योंकि कोऑर्डिनेशन चाहते हैं हम चाहते हैं कि अगर सारे सूबे भरपूर तरीके के साथ एक कोऑर्डिनेशन के साथ अगर आएं क्योंकि हमारे जैसे आपने शुरू में दिखाई थी दिखाया था कि कराची के यू नो कोस्टल एरिया से, रहा से रहा ले सी वहाँ से ले कर आपके वहाँ तक जो भी आप देखें कि कितनी एक, हर एरिया एक खूबसूरती है पाकिस्तान मैं कहती हूं जन्नत है दुनिया में और उसका हर सूबा उसमें इतनी खूबसूरती है हमें सिर्फ वो खूबसूरती दिखानी है और आपके चैनल का मैं खासतौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी क्योंकि हम एक सिर्फ एग्रेशन सेल करते हैं आप एक बड़ी पॉजिटिविटी को कर रहे हैं और ये कि जो सेलिब्रेट इस्लामाबाद

common people will have the opportunity yeah. to see all these activities free of cost बिल्कुल आए एंजॉय करें आए एंजॉय करें और एक्सप्लोर करें पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें यहाँ पे हमारी एक वो है कि हेल्प की जरूरत है कि कोई कॉर्पोरेट सेक्टर वो आए अपने स्टॉल्स लें अपनी चीजें करें आपके आपके साथ मिलें जुलें और टूरिज्म एक ऐसा इनको प्लेटफार्म मिला हुआ है कि इस एक्सपो में

सतपारा साहब शहीद हुए केटू सर करते हुए और हमारा दिल उनके साथ है और बल्कि जिस दिन हमें ये न्यूज़ हो रही थी तो सजाद शाह साहब और मैं हम लोग पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहे थे फ्लाइंग के लिए तो वो ही हम लोग बातचीत कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि रेस्क्यू एफर्ट हो पर आपको मंजूर ना था बिल्कुल तो बिल्कुल। ये पार्ट ऑफ uh, मतलब बहुत ट्रेजिक इवेंट हुआ बिल्कुल 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 सर आपका फाइनल मैसेज और खान साहब को कुछ करवा रहे हैं को कोई, को इस तरह की कोई एक्टिविटी जी मेरा बस चले तो मैं तो पाकिस्तान के हर छोटे बच्चे से लेकर हर बंदे को पैराग्लाइडिंग कराऊँ और चूंकि पाकिस्तान में टैलेंट तो बहुत छुपा हुआ है जिसकी जिंदा मिसाल फिर आप अगेन में प्राइम मिनिस्टर का कहूंगा कि जिन्होंने वर्ल्ड कप जीत के आपको दिया और यहाँ मैं रेवेन्यू के हवाले से आपने जो बात की मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आप देखें कि जो इकानमी वाइज जापान दुनिया का बहुत स्ट्रांग था हाँ, बिल्कुल और वहाँ की आप देख रहे हैं गाड़ियाँ कितनी हर मुल्क में फिर रही हैं टिटा का जो पिछले साल नाइनटीन का जो रेवेन्यू था उससे ज्यादा उनकी डोमेस्टिक इन बाउंड टूरिज्म कर जापान, जापान का जापान ने कभी भी कंसनट्रेट नहीं किया था टूरिज्म पे लेकिन पिछले पांच सालों में जब उन्होंने डोमेस्टिक टूरिज्म यानी कि इन बाउंड टूरिज्म हाँ। की बात करता हूँ जो बाहर से लोग आए बिल्कुल सही उनका वो फॉरन रेविन्यू जो उनकी ट्योटा इसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो पूरा पाकिस्तान बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप सबका आप लोगों ने वक्त दिया और टूरिज्म को फैलाने में हम भी छोटा सा ये किरदार अपना अदा कर रहे हैं आप सब ने आना है टूरिज्म क्या पता आपको हम सब पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हुए नजर आएंगे